बेरवीना एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। नागपुरवाड़ी में तेज रफ्तार कार ने महिला को उड़ाया। पेशे से ब्यूटिशियन महिला को एक तेज गति कार ने जबरदस्त टक्कर मार दी। उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम अर्चना सुनील मोरसकर 42 वर्ष की बताई जा रही है। भारत नगर अमरावती रोड निवासी की है। अर्चना दत्तवाड़ी में अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी। घर और पार्लर में कम ही दूरी होने के कारण वह अमरावती रोड हाईवे से अक्सर पैदल ही आना जाना करती थी। मंगलवार को रात 9:30 बजे के दौरान अपना पार्लर बंद कर वापस घर लौट रही थी। वह वाड़ी पुलिस थाना के पास व भारत नगर इलाके में पहुंची थी, तभी अमरावती की दिशा से आ रही कार चालक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में वह सड़क पर ही दूर जा गिरी और गंभीर रूप से वह घायल हो गई। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। दुर्घटना होने पर लोगों ने उन्हें तत्काल पहचान लिया। वाड़ी में इस दुर्घटना की खबर बिजली की तरह फैल गई। जिसने भी सुना वह दौड़कर पहुंचा। इस दुर्घटना से लोग बहुत संतप्त हो गए। वाड़ी पुलिस ने फरियादी मोहित सुनील मोरसकर की शिकायत पर मामला दर्ज करवाया है। नागपुर मनीष नगर में सही पेपर मैन्युफैक्चर डिस्पोजर फैक्ट्री में लगी आग। बुधवार की रात करीब 8 बजे मनीष नगर पूर्ति बाजार के पास स्थित सही पेपर एंड मैन्युफैक्चर डिस्पोजल फैक्ट्री में आग लगने से परिसर में हड़कंप मच गया। फैक्ट्री मालिक का नाम रोहित चंद्रकांत दिहा दूत है। आग इतनी भयानक लगी कि फैक्ट्री में रखी कई मशीन और लाखों का माल जलकर खाक हो गया। भारी नुकसान से फैक्ट्री मालिक को भारी सदमा पहुंचा है। अमरावती में किसान की लाश लेकर कलेक्ट्रेट पर धमके। फसल बीमा का नहीं मिला था लाभ। सोयाबीन की फसल चौपट हो जाने के बाद फसल बीमा कंपनी से कोई मुआवजा नहीं मिला, जिससे आर्थिक तंगहाल एक युवा किसान सुधाकर महादेव पाटेकर ने बुधवार को कीटनाशक जहर पीकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।